पांड्या को लेकर एक फिर से न्यू अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो क्या है, मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूँ। जितने भी सहारा के निवेशक हैं इस वीडियो को वहां से तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों क्या है, मैं आपको एक एक स्टेप सब कुछ बताने जा रहा हूँ, तो भाई आप लोग बने रहिएगा। ये देखिए, सहारा इंडिया पोर्टल पर रिसबमिशन का लिंक हुआ एक्टिव। फटाफट ऐसे करें अपना रिजेक्ट एप्लीकेशन दोबारा सबमिट। जी हाँ दोस्तों, रिसबमिशन का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यदि आपने अभी तक इसका स्टेटस नहीं देखा है कि हमारे स्टेटस में क्या गड़बड़ियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसको देखकर दोस्तों आप लोग जो भी समस्या है उसे सही करके रिसबमिशन का ऑप्शन आ गया है। आप रीअप्लाई दोबारा से कर सकते हैं। दोस्तों समय बहुत कम है, जितने जल्दी कर देंगे उतनी ही जल्दी आपका पैसा आ जाएगा। दोस्तों और आगे क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो भाई आप लोग बने रहिएगा। अगर आपका सहारा इंडिया रिफंड आवेदन भी खारिज कर दिया गया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। यह है कि सहारा रिफंड रिसबमिशन का विकल्प एक्टिव हो गया है, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने रिजेक्ट आवेदन को दोबारा सबमिट कर सकते हैं। और इसलिए हम आपको इस आर्टिकल में सहारा रिफंड रिसबमिशन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो भाई आप लोग बने रहिएगा। इस लेख में हम आपको न केवल सहारा रिफंड रिसबमिशन के बारे में विस्तार से बताएंगे, बल्कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने अस्वीकृत रिफंड आवेदन को फिर से जमा करने के लिए आपको अपना लॉगिन विवरण तैयार रखना होगा, ताकि आप आसानी से पोर्टल पर लॉगिन कर सके। सहारा इंडिया पोर्टल पर रिसबमिशन का ऑप्शन लिंक हुआ एक्टिव। फटाफट ऐसे करें अपना रिजेक्ट एप्लीकेशन दोबारा सबमिट। तो क्या है आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो भाई आप लोग बने रहिएगा। वे सभी निवेशक जिनका सहारा इंडिया आवेदन स्वीकार कर दिया गया था, वे इन चरणों का पालन करके अपने सहारा इंडिया रिफंड आवेदन पत्र को फिर से जमा कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जो भी था मैंने आपको बता दिया है। तो भाई आप लोग, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आप लोग जो है रिसबमिशन का जो ऑप्शन आ रहा है रीअप्लाई आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। यदि आप लोग इसका स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका स्टेटस चेक करना है। फिलहाल दोस्तों मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आपने भी इसका स्टेटस नहीं चेक किया है तो जल्द से चेक करके जो रिसबमिशन का ऑप्शन आया हुआ है वहीं से जो है अप्लाई कर दें, तभी जो है आपका पैसा आएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं। जय हिंद।